हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो मारुति ने अपना एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है ब्लैक कलर में, जो हमें स्विफ्ट मिल जाती है। हर गाड़ी अब ब्लैक कलर में मारुति ने लॉन्च करी दी है। इसका हाइब्रिड भी लॉन्च कर दिया है, काफ़ी बेटर है। यहीं पे ब्लैक कलर है हमारा, ZXi प्लस नहीं है, ZXi वेरियंट है। इसमें आपको अलाव व्हील वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि टॉप वेरियंट से थोड़ा नीचे है, सेकेंड टॉप हम इसे कह सकते हैं गाड़ी को। बाकी जो ब्लैक कलर है वो इसका जो काफ़ी फेमस लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि बदमाशों की सबसे पहली पसंद में स्विफ्ट का ब्लैक कलर आ ही जाता है। पूरी अगर हम फ्रंट से प्रोफाइल की इसमें बात करते हैं तो हमारा ZXi वेरिएंट है। इसमें आपको नॉर्मल सी लाइट मिलती है, अगर बाकी हमारा ZXi प्लस होता तो इसमें आपको ऐसी हेडलाइट मिल जाती हैं नॉर्मल, या हेलोजन बल्ब के साथ में आएंगी। इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, फॉग लैम्प यहाँ मिल जाता है, पूरा ये रफ ब्लैक मिलेगा। बाकी पियानो ब्लैक में कलर हम इसे कह सकते हैं। ग्रिल जो हमारी 2021 में फेसलिफ्ट में डाली थी बीच में क्रोम में, इसलिए अभी तक ये चल रही है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आए। लेकिन हाँ, हाइब्रिड आ चुका है, इससे एवरेज गाड़ी का बढ़ चुका है थोड़ा बहुत। बाइक ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में कुछ ही मिल जाता है। अगर साइड से गाड़ी की प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड IRBM पर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलेगा नॉर्मल चाहिए, पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों ही इसमें आपको मिल जाते हैं। एंटीना नॉर्मल मिलेगा, सार्फिंग एंटीना वगैरह कुछ नहीं है। टायर साइज की अगर इसमें हम बात करते हैं तो अलाव व्हील आता ही है, इसमें आपको JK का टायर मिलता है। यहीं पर अगर इसकी प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो नॉर्मल चीज़ की प्रोफाइल हमें मिल जाती है 185/65R 15 इंच का इसमें टायर है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, सिंगल टोन में मिलता है, डुअल टोन में नहीं है ये। बाकी अगर रियर प्रोफाइल से बात करें तो इसमें वाइपर मिल जाता है, इसमें आपको हाई स्पीड स्टॉप मिल जाता है। एंटीना नॉर्मल चाहिए, ये बोसन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर बूट की बात करें पूरा कुछ ऐसा है। रियर बम्पर में आपको और पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4। रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है इस वेरियंट में हमारे। और चलो हम गाड़ी के अंदर से दिखाते हैं, इसमें अंदर से क्या क्या मिल जाता है। पूरा क्रोम जाता है, काफ़ी अच्छा है, केस हैंडली गाड़ी में आता ही है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी पूरा कुछ इसका अंदर से पूरा ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम काफ़ी बेटर लग रहा है। ये 8 इंचज का डिस्प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें दोनों ही आते हैं। अगर डोर की हम बात करें तो ये आपको फोल्डेबल के लिए मिल जाता है, सीधा एडजस्टेबल आप यहीं से कर सकते हैं लॉक अनलॉक। बाकी साइड मिरर ऑटो फोल्डेबल ये है ही, विंडो के स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट ऑटो मिलता है नॉर्मल से, सॉफ्ट टच मिलेगा ये, बाकी पूरा ब्लैक में है। यहीं पे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल डाल दिया है ब्रेक के मामले में, पुश स्टार्ट बटन डाल दिया है गाड़ी में। बाकी चलो अगर सेकंड डोर से हम बात करें तो ये खोलने के लिए जो यहाँ पे दिया था, ये बीट की कॉपी करी थी इस कंपनी ने, चेवल लेट की जो हमारी बीट आती थी। बाकी स्पेस जो है वो यहाँ पे भी काफ़ी ठीक ठाक है, सीट कवर बंद करने के लिए स्पेस है, स्पेस मिल जाता है इसमें आपको थोड़ा बहुत। यहाँ पे बोतल होल्डर की मिल जाता है, बाकी स्पीकर मिल जाता है। ये पूरा पियानो ब्लैक है, जो काफ़ी इतना बढ़िया नहीं लग रहा, रफ ब्लैक में है ये पूरा, इसमें रफ ब्लैक मिल गया है, कोई इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा, पियानो ब्लैक होना चाहिए था। उसकी फिनिशिंग आती है, पूरा क्रोम में मिल जाता है यहीं पे इसमें आपको। बाकी पूरा डैशबोर्ड स्विफ्ट का ये नॉर्मल पहले ऐसा आता है, लेकिन हाँ बाहर से कलर है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेकंड रो में मिल जाते हैं, फर्स्ट में मिल जाते हैं, काफ़ी बेटर चीज़ है इस चीज़ में। चलो एक बार और लुक दिखाते हैं। अगर रेट की हम बात करें इसके प्राइस की, समथिंग हमें पड़ जाता है अपने मुरादाबाद RTO से 9 लाख रुपए के लपेट में पड़ेगा। बाकी वाइपर वॉशर वगैरह सब इसमें ऑफर करी रही है कंपनी। तो कुछ भाई यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छे लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।